अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ग्रेड 4 सब्जेक्ट साइंस। टुडे इज़ लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम यूनिट नंबर 6 सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस का बाकी रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे, पेज नंबर 62 to 64। आज के हमारे टॉपिक्स हैं चेंजेस ऑफ स्टेट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, कॉन्सेप्ट चेक पेज नंबर 64, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट। पेज नंबर 62 पे हमने चेंजेस ऑफ स्टेट से स्टार्ट करना है। हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर, यानी कि अगर हम किसी भी स्टेट को, किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं या उसे कूल डाउन करते हैं तो वह एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ लिक्विड इज़ हीटेड इट कैन बिकम अ गैस, अगर हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो वह गैस बन जाएगी। यानी कि एक स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट है, अगर हम उसको हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, गैस बन जाएगी। इफ़ अ सॉलिड इज़ हीटेड इट कैन बिकम अ लिक्विड, अगर हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड बन जाएगा। यानी कि एक स्टेट सॉलिड है, वो सॉलिड से दूसरी स्टेट में आ गया लिक्विड में। सब्सटेंसेस चेंज स्टेट व्हेन दे मेल्ट, बॉइल, कंडेंस और फ्रीज। आपके सामने सबसे एग्जाम्पल है वाटर की, अगर हम वाटर को कूल डाउन करते हैं, इसको फ्रीज करते हैं तो क्या होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, आइस बन जाता है। और अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में आ जाता है। यानी कि इससे क्या पता चला कि जो स्टेट है वो चेंज होती रहती है, अगर हम उसको हीट करें या कूल डाउन करें तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होती रहती है। इसके बाद आपके सामने इक्वेशन है, आइस नज़र आ रही है, आइस मेल्टिंग, मेल्ट होके लिक्विड बन जाती है, और अगर वो अवेपोरेट हो जाए, वाटर अवेपोरेट हो जाए तो वो गैस बन जाती है। इसके अलावा लिक्विड है, अगर उसको फ्रीज करें तो वो आइस बन जाएगी, और अगर हम उसको और गैस है, गैस अगर कंडेंस होगी तो वो लिक्विड बन जाएगा। उसके बाद है द पार्टिकल इन अ सब्सटेंस रिमेन द सेम व्हाटएवर द स्टेट, द डिफरेंस इज दैट द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज नॉट द सेम। यानी कि क्या है कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल्स हैं, कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स तो सेम होंगे, सिर्फ उनके दरमियान में स्पेस का मसला है कि उनके दरमियान में स्पेस चेंज होगी, बाकी वो पार्टिकल्स के, सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो सेम रहेंगे। आपके सामने डायग्राम आ रही है डायमंड की, देखिए डायमंड के जो पार्टिकल्स हैं वो सेम हैं, एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, लेकिन क्या है, इनकी स्पेस चेंज है, ठीक है। उसके बाद जूस में देखें, जूस में भी पार्टिकल्स सेम टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, क्लाउड्स में भी इसी तरह से और नियॉन गैस में भी। उसके बाद है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, वेन कैंडल्स मेल्ट और वाटर बॉयल्स बोथ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर, यानी कि जब कैंडल मेल्ट होती है या वाटर बॉयल होता है तो वो क्या होते हैं, एक चेंज से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, दिस इज अ फिजिकल चेंज। यानी कि अब हमने दो तरह के चेंजेस पढ़े, हमने ये तो पढ़ लिया कि जो स्टेट है वो चेंज होती रहती है, जितना भी मैटर की स्टेट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। अब हमने ये भी देखना है कि वो किस तरह की चेंजेस है। दो तरह की चेंजेस होती हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है सिर्फ वो चेंज होती है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, कोई नई चीज बन जाती है, कोई नया सब्सटेंस बन जाता है। अब देखें एग्जांपल हमारे पास है, अगर कैंडल मेल्ट होती है तो वो क्या हो जाएगा, कैंडल मेल्ट होके एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, यानी कि सॉलिड है ना तो सॉलिड से मेल्ट होकर वो लिक्विड में आती है, लेकिन कोई न्यू चीज़ नहीं बनती, वो मोम ही रहता है। इसी तरह वाटर, अगर वाटर बॉयल होता है तो वो अवेपोरेट होकर गैस बन जाती है, लेकिन कोई न्यू चीज़ नहीं बनी, इसी कोई केमिकल चेंजेस नहीं आते। तो इस तरह के चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। उसके बाद है व्हेन वुड एंड पेपर बर्न ऐश अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी कि अगर हम किसी पेपर को बर्न करते हैं, किसी पेपर को जलाते हैं या किसी लकड़ी को जलाते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है। यानी कि केमिकल चेंज में क्या होता है कि जब एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होती है तो वो दोबारा से पहली जैसी हालत में वापस नहीं आ सकती। अगर हम लकड़ी को जला देते हैं तो लकड़ी जल के, या कागज़ को जला देते हैं तो कागज़ जल के कोयला राख सी बन जाती है, इस तरह लकड़ी जल के कोयला बन जाता है, अब वो कोयला जो है वो दोबारा से लकड़ी नहीं बन सकता। तो इस तरह के चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज, जबकि ऐसा चेंज जिसमें पहले जैसी, अगर हम वाटर की हमने एग्जांपल ली थी या हमने कैंडल की एग्जांपल ली थी, अगर हम कैंडल को मेल्ट करते हैं तो वो क्या, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, लेकिन जब हम उस लिक्विड को थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे वो दोबारा से ठंडा होकर दोबारा से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी कि ऐसा चेंज जिसमें एक स्टेट जो है वो दोबारा से पहले जैसा बन जाए उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं, और ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस दोबारा से पहली जैसी हालत में ना आ सके उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्ट चेक, फिल इन द ब्लैंक्स
नंबर वन, इन अ फिजिकल चेंज नो डैश सब्सटेंस आर फॉर्म. अभी हमने पढ़ा है कि फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस जो है वो नहीं बनता. इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. उसके बाद है इन अ डैश चेंज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म केमिकल चेंज. केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है. उसके बाद है हमारी एक्सरसाइज पेज नंबर 65 पे. चूज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, ऑयल और गैस. हमने पढ़ा था सॉलिड भी स्टेट है, लिक्विड भी स्टेट है, गैस भी स्टेट है. तो सी ऑप्शन, ऑयल इज नॉट द स्टेट ऑफ मैटर, ऑप्शन सी. नंबर टू, एवरीथिंग ऑन अर्थ इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स, ऑप्शन ए पार्टिकल्स. आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर मेड ऑफ वाटर पार्टिकल्स, ऑप्शन ए वाटर पार्टिकल्स. विच टाइप ऑफ मैटर हैज़ अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम. ये हमने पढ़ लिया था कि लिक्विड का भी फिक्स शेप नहीं है, गैस का भी फिक्स शेप नहीं है, किसका है, सॉलिड का. तो ऑप्शन ए सॉलिड. व्हेन वुड इज बर्न और टर्न्स इनटू ऐश व्हाट टाइप ऑफ चेंज हैज़ टेकन प्लेस. अभी हमने पढ़ा है कि जब वुड को हम बर्न कर देते हैं या टर्न इनटू ऐश, जब वो ऐश में कन्वर्ट हो जाती है, तो क्या ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज, ऑप्शन बी केमिकल चेंज. उसके बाद है नंबर टू, फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर वन, मैटर इज मेड अप ऑफ डैश पार्टिकल्स. नंबर वन में आएगा पार्टिकल्स. नंबर टू, द पार्टिकल्स इन अ डैश आर पैक्ड वेरी क्लोजली टुगेदर, सॉलिड्स. द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड. नंबर थ्री, द डैश इन अ लिक्विड आर पैक्ड लूजली टुगेदर, दे कैन फ्लो. द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड. नंबर थ्री में भी आएगा पार्टिकल. नंबर फोर, इन अ गैस द डैश बिटवीन द पार्टिकल्स आर बिगर, स्पेसिस. इन अ गैस द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स आर बिगर. उसके बाद है हमारा कॉलम. मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द टर्म इन कॉलम बी. कॉलम ए में है अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. वैसा कौन सा चेंज था जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, केमिकल चेंज, सी. वन को हम मैच करेंगे सी के साथ, केमिकल चेंज. अ चेंज ऑफ स्टेट बट नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, यानी कि स्टेट तो चेंज हो रही है लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, तो ये क्या है, ए फिजिकल चेंज. टू को मैच करेंगे ए के साथ. नंबर थ्री है एवरीथिंग इन द वर्ल्ड डेट हैज़ मैस एंड एक्यूपाई स्पेस इज मैटर. थर्ड को मैच करेंगे बी के साथ, मैटर. उसके बाद है मार्क दी सेंटेंसेस विद ट्रू एंड फॉल्स. नंबर वन, पार्टिकल्स मूव, टिक. यहाँ टिक लगाएंगे. पार्टिकल्स इन अ गैस आर पैक टाइटली टुगेदर, क्रॉस. गैस में पार्टिकल्स टाइटली टुगेदर पैक नहीं होते. अ लीटर ऑफ वाटर इज मोर वेन इट इज इन अ 5 लीटर कंटेनर, क्रॉस. पार्टिकल्स इन ऑरेंज जूसेस आर पैक लेस क्लोजली देन दोज इन ऑरेंज आइस स्लोली, ट्रू, टिक. आइस मेल्ट्स इन टू अ गैस, क्रॉस. उसके बाद है आंसर दिस क्वेश्चंस. थ्री क्वेश्चंस हम लोगों ने लेक्चर नंबर थ्री में कर लिए थे, आज हम 4, 5 and 6 करेंगे. क्वेश्चन नंबर फोर है, डू लिक्विड्स हैव अ फिक्स शेप, एक्सप्लेन योर आंसर. नो, लिक्विड्स कैन नॉट हैव अ फिक्स शेप, इट कैन बी पावर्ड इनटू एनी शेप ऑफ कंटेनर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर है, नो लिक्विड्स कैन नॉट हैव अ फिक्स शेप, इट कैन बी पोर्ड इनटू एनी शेप ऑफ कंटेनर. उसके बाद है नंबर फाइव क्वेश्चन, बट इज इट नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू यूज एरोसोल स्प्रेस. आंसर है, एरोसोल स्प्रेस कंटेन केमिकल्स डैट कुड हार्म द एनवायरनमेंट व्हेन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. यानी कि एरोसोल स्प्रेस को हम क्यों इस्तेमाल, हम ये क्यों आइडिया रखते हैं कि इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एरोसोल स्प्रेस में ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाई इज इट नॉट अ गुड आइडिया टू डिस्पोज ऑफ ऑयल डाउन ड्रेन्स और इनटू लेक्स एंड रिवर्स. यानी कि हम, ये क्यों अच्छा आइडिया नहीं है कि ऑयल जो है उसको डिस्पोज कर दिया जाए रिवर्स में या लेक्स में. तो आंसर है, ऑयल डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, कि ऑयल जो है वो पानी में डिजोल्व नहीं होता. दे कैन ब्लॉक ड्रेन्स, ये नालियों को बंद कर सकता है. दे फॉर्म अ फिल्म ऑन वाटर एंड कैन हार्म वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स. ये वाइल्ड लाइफ को और प्लांट्स को नुकसान भी पहुँचाता है. ये क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर है. आपने इन सारे क्वेश्चंस को नीट वे में अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करना है, इसके साथ साथ इसको याद भी करना है. आपका लेक्चर नंबर फोर यहाँ पे एंड होता है. अल्लाह हाफिज़.